हेलो स्टूडेंट्स, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। मतलब हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग। मैथमेटिक्स के तो बहुत से वीडियो अपलोडेड हैं ही, अब रीजनिंग की भी एक सीरीज मैं आप लोगों के लिए चालू कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे जिनके बिहाफ पे रीजनिंग को भी हमने उतना ही इंपॉर्टेंस देते हुए अब उस पर भी कंटिन्यूस टॉपिक वाइज वीडियो डालने का निर्णय लिया। तो आज का जो टॉपिक है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो क्या आप लोग जानते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है? देखो, दो वर्ड्स हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोड क्या होता है, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा पहले इसका मतलब। अगर मैंने यहां पर लिखा है टू, सिंपल समझिएगा बिल्कुल, 4, 6 और 8। अब ये कोड है, ये क्या दिया है मैंने आपको, एक कोड। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि सेम कोडिंग, अब आपको ये डिकोड करना है पहले तो, कि भाई 2, 4, 6, 8 दिया एक पैटर्न। अब इसके बिहाफ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा ये बताओ मुझे 6, 12 ठीक है, 18, अब नेक्स्ट क्या आएगा? तो आप बोलोगे 24 आएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा? आप बोलोगे 10, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, 2-2 का गैप। तो दिस इज ऑल्सो कोडिंग। मतलब यहां पर आपको पता था भाई 2-2 का गैप चल रहा है, तो आपने देख लिया अच्छा ऐसा कोड किया गया है नंबर्स को कि इनके बीच में 2-2 का गैप था। तो कोड कुछ पैटर्न होता है जिसे हम बना देते हैं किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पासवर्ड है वो आपने बनाया हुआ था, दैट इज ऑल्सो कोड। कोड किसी भी, अब उसको पहचानना क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। तो अब इसे हम करेंगे कैसे और ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? तो सबसे मेन बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और इसमें आपके बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं। तीन टाइप्स आपके कौन कौन से होते हैं, अगर मैं पहला बोलूं तो आपका होगा अल्फाबेट्स पे आधार, ठीक है, कौन सा होगा, अल्फाबेटिकल। दूसरा अगर मैं बोलूं तो आपका कौन सी सीरीज होगी, न्यूमेरिकल। तीसरा अगर आपसे बोलूं तो आपकी कौन सी होगी, वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये मेन टाइप्स है ना, ये क्या है आपके मेन टाइप्स हैं कोडिंग डिकोडिंग के। इन्हीं के अंदर मैं कुछ और वैरायटीज बताऊंगा कि ये पैटर्न आते हैं, लेकिन आपको पहले ये समझना पड़ेगा। अच्छा, अब आप देखो, वर्ड आया, न्यूमेरिक आया, अल्फा आया, इन सब में एक चीज कॉमन होने वाली है। क्या कॉमन होने वाला है बच्चों? कॉमन होने वाला है आपके, क्या कॉमन होने वाले हैं, अल्फाबेट्स। मतलब हर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में कैसे ना कैसे ऑलमोस्ट, मतलब मैं आपको 90% जो क्वेश्चंस बनेंगे उनमें अल्फाबेट्स का यूज होगा। और इसका क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि अल्फाबेट्स आपने समझ लिया, अल्फाबेट्स क्या होते हैं, इंग्लिश के अक्षर जो हम पढ़ते हैं, इंग्लिश के क्या आपके अल्फाबेट्स क्या होते हैं हिंदी में, अक्षर, ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, उनके आपको नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज याद करनी है। और न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होंगी, जैसे ए किस नंबर पे आता है भाई, पहले नंबर पे आता है। बी किस नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। सी किस नंबर पे आता है, सी थर्ड पे आता है। ऐसी जेड 26, तो ये उसका क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब जिस ऑर्डर में वो आते हैं वो हमको याद होना चाहिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का फॉर्म उसी से बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनका हमें क्या याद होना चाहिए, जो आपका सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में चलते हैं वो याद होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या याद होना चाहिए, अपोजिट, मतलब अगर मैं Z से उल्टा काउंट करूं, Z1 हुआ, Y2 हुआ, A26 हो जाएगा, वहां तक की नंबरिंग भी मुझे याद होनी चाहिए अच्छे से। अब ये बात हो गई कि भाई याद कैसे करें, रटेंगे कब तक, कभी तो भूल सकते हैं, एग्जाम में तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो क्या करें, कोई चिंता की बात नहीं है, ना आपको रटने की जरूरत है ना कुछ करने की। आज मैं एक ऐसी आपको टेक्निक क्या बताऊंगा, आपको खुद पता चलेगा कि हर अल्फाबेट एक नंबर कैसे, चलिए आइए देखते हैं। ये है हमारे सारे क्या हैं, अल्फाबेट्स हैं, ए से लेके जेड तक सबकी नंबरिंग लिख दी गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो जिस प्लेस पे आता है। बात यह आती है कि अब मुझे ये, अगर मैं आपसे पूछ लूं, आपको काउंट नहीं करना, डायरेक्ट बताना है, मैं बोलूं एन किस नंबर पे आता है, एन फॉर नेस्ट, मतलब नो, एन किस नंबर पे आता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है,
तो आपको सोचना पड़ेगा। अब आज के बाद आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको याद कर लेना है ए ज्योति या इजोटी, जो आपको बेटर लगे आप उस तरीके से ये याद कर सकते हैं। ये एक तरह की कोडिंग है। ये क्या कोडिंग है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ई किस प्लेस पे आता है, 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इजोटी जो मैंने बनाया या ए ज्योति, जैसे आप किसी ज्योति नाम की लड़की को जानते हो या कोई भी हो उसके नाम से भी अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ओके, तो ये पैटर्न हमें हेल्प करता है। तो इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, 5-5 के गैप में चल रहा था, आसानी से याद भी हो गया कि भाई ई आता है 5 पे तो जे आएगा 10 पे, ओ आएगा 15 पे, टी आएगा 20 पे और वाई आएगा 25 पे। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इसमें हम किस तरीके से याद करने वाले हैं। ये 5 आपको याद हो गए। अब इन 5 के अलावा भी क्या हमको ऐसा कुछ रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना था। बाकी के नंबर्स मैं आपको नंबर्स में ही दिखा दूंगा कैसे देखते हैं। देखिए यहां पर क्या हमें ए को याद करने की जरूरत है, पहला ही होता है, बिल्कुल नहीं। बी भी आप लोग बता सकते हो दूसरे नंबर पे आ रहा है। ए बी सी ये क्या होते हैं, 1, 2, 3, इन्हें भी नहीं। डी की अगर मैं बात करूं तो डी भी क्या बताना पड़ेगा, ए बी सी डी ई, यहां तक आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती, सभी को याद आता। बीच के जो अल्फाबेट्स है ना उन्हीं में प्रॉब्लम आती है। तो ए बी सी आप आसानी से बता दोगे, इसके लिए मैं कुछ आपको नहीं दिखाने वाला हूं क्योंकि ये याद करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो सबको पता होता है। इसके बाद करूं अगर आपको ई में भी दिखता है, देखो ई ई में आपको कितने 1 दिख रहे हैं, 5 एक चाहिए ना हमको। देखो ई में 1, 2, जैसे मैंने यहां पर बनाया आपका कोड ई, तो अगर मैं देखूं यहां पर 1, 2, 3, 4 और 5 कितने डंडे दिख रहे हैं आपको यहां पर, अगर मैं बोलूं कितनी लाइंस दिख रही हैं, तो ई 5 लाइनों से मिलकर बना है, तो ई का कोड क्या होता है, 5 होता है। आसानी से आप, अब मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, देखो बिल्कुल एफ। अब अगर मैं एफ का ये सर्कल बना दूं तो ये किस तरीके का बन गया, अपोजिट 6। देखो 6 क्या होता है आपका, ऐसा होता है, और मैं उसको अगर अपोजिट ऊपर ले जाऊं तो वो कैसा दिखेगा, इस तरीके का। तो एफ को आपको किस तरीके से देखना है, उल्टे 6 की तरह देखना है हमेशा। तो आपको नंबर दिखेगा, क्या दिखेगा उसमें, 6। कौन सा नंबर पे आता है, एफ 6 पे आता है। इसी तरीके से अगर मैं बनाऊं जी, तो देखिए जी किस नंबर पे आ रहा है, 7। किस नंबर पे आ रहा है, 7। और अगर जी को हम बनाते तो ये देखिए आप, जी में आपको 7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हम जी ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ किया और यहां से ये क्या बना आपका, 7। तो जी में आपको ऑलरेडी 7 दिया हुआ है, रटने की जरूरत नहीं। जी को देखोगे वैसे ही 7 याद आ जाएगा, इसमें रटना कुछ भी नहीं है। हमको सिर्फ इस तरीके से देखना है कि हमको वो नंबर दिख जाए हमारे अल्फाबेट के अंदर। अब बात आती है एच। एच कैसा ड्रॉ होता है बच्चों, अगर मैं इसके ऊपर भी सर्कल ला दूं, नीचे भी सर्कल ला दूं, तो क्या बनेगा, वो 8 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एच कौन से नंबर पे हुआ, हमेशा 8 पर। और एच का 8 कैसे बनता, ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल, जहां पर 2 0 हो गए ऊपर नीचे, तो वो क्या बनता है, 8 बनता है कि नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, एच किस नंबर पे आएगा, एच आएगा हमेशा 8वें नंबर पर। आई की मैं बात करूं, देखो आई कैपिटल आई अगर आप बनाते हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं यहीं पर क्या ड्रॉ करूं, स्मॉल आई, ठीक है, स्मॉल आई ऐसा बनता है। अब ऐसा अगर ड्रॉ किया है और यहां से मैं क्या कर दूं, नॉर्मली उसको ज्वाइंट कर दूं, उस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, तो आपको किसकी तरह दिखेगा, आई 9 की तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा, है ना। तो हमको अपना व्यू ऐसा सेट करना है कि हमें 9 दिख जाए आई में, और आई में 9 दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। ऊपर वाला जो डॉट रहता है वो 0 और आई नीचे से कैसा होता है, बैंड होता है, तो क्या बनता है आपका, वहां पे 9 बन जाता है। जे की अगर मैं बात करूं, याद करने की जरूरत है क्या आपको, ये बताओ। देखो ई की मैंने ट्रिक जरूर बता दी आपको, ई को याद करने की जरूरत थी नहीं, ए ज्योति से हमें याद है, 5 में आएगा। जे किस पे आएगा, 10वें पे, तो जे को हमें याद करने की जरूरत है ही नहीं, अलग से कुछ देखने की जरूरत। अब मैं बात करूं के, तो के कैसा बनता है आपका, कितने डंडे होते हैं उसमें, क्रॉस में कितने जाते, 2, तो 1 और 1 क्या बनता है, 11। तो के में क्या दिखता है आपको, 11 दिखता है कि नहीं दिखता है, बिल्कुल। घर पे प्रैक्टिस करिएगा, एक बार इस व्यू से देखिए
कभी नहीं भूलेंगे कौन सा नंबर किस प्लेस पे आता है, ना रटने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहां पर L, तो देखिए आपको भी पता है L किसके बाद आता है, J के बाद, और J किस नंबर पे आता है, दसवें नंबर पे। J किस नंबर पे आता है बच्चों, दसवें नंबर पे आता है। अब जब J दसवें नंबर पे आया तो L तो दस के बाद ही वाला नंबर होगा, तो हम अगर L को देखें, यहां किसे देखें, L को, अगर मैं आपके सामने L ड्रॉ कर रहा हूं, यहां अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये लगभग लगभग दो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखिए L आपका, फिर से मैं बनाऊं, L ऐसा बनता है, अगर मैंने यहां पर ऐसा ज्वाइन कर दिया तो दो आपका कैसा होता है, ऐसे ही होता है ना, तो ये क्या दिखेगा आपको, टू, और दस के बाद और दो हो जाए तो क्या होता है, बारह। मतलब L किस प्लेस पे आएगा, ट्वेल्व नंबर पे आएगा। अब M की बात करूं तो M तो आपको साक्षात दिख रहा होगा, M तो आपको ऐसा दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा होगा, देखिए M, अगर मैं थ्री बनाता हूं तो थ्री कैसा बनता है, ऐसा। अगर मैं उसको थोड़ा सा घुमा दूं, सीधा कर दूं ऐसा घुमा के, तो क्या बन जाता है, M। तो M में तीन तो आप आसानी से देख सकते हो, और दस के ऊपर है तो वो कौन सा नंबर होगा, तेरह। तो M किस नंबर पे आता है, तेरह नंबर पे आता है। अब मैं बात करूं यहां पर किसकी, N की। किसकी बात की मैंने, N की। अगर मैं ऊपर से एक लाइन कर दूं, नीचे से एक लाइन कर दूं, तो ये क्या बन गया, फोर बना कि नहीं बना, रोमन वाला फोर बना है कि नहीं बना है, सभी ने पढ़ा हुआ है, ये क्या दिख रहा है आपको, फोर दिख रहा है। और दस के ऊपर अगर चार है तो वो कौन सा प्लेस होगा, फोर्टीन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये N किस प्लेस पे आता है, फोर्टीन। O को याद करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि O कहां आता है, जोटी में, ऑलरेडी याद है आपको। P की बात करूं तो P क्या है, सिक्स को अगर मैंने बनाया ऐसा, उसको उल्टा कर दूं, मैं क्या कर दूं, उसको जस्ट नीचे ले आऊं, तो कैसा दिखेगा वो, ऐसा। तो अगर मैं P को उल्टा करूं ऊपर की तरफ तो क्या बनता, सिक्स। तो क्या होगा आपका P, सिक्सटीन। सिक्स दिखा कि नहीं दिखा, सिक्सटीन। बिल्कुल याद करना है आपको, कैसे याद रखना है कि हम किस नंबर को किस में देख रहे हैं, रटना नहीं है कुछ भी, हमेशा याद रहेगा, कुछ कभी रटना नहीं पड़ेगा। अब क्यू की बात करूं मैं, तो देखो यूं तो क्यू को मैंने कैपिटल क्यू बनाया हुआ है, लेकिन अगर मैं देखूं स्मॉल क्यू, क्या देखूं, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू में उल्टा सेवन आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। मैं फिर से बनाता हूं आपके सामने, देखिए बड़ा थोड़ा बना दे रहा हूं, विजिबल अच्छे से होगा। इतना पोर्शन अगर मैं काउंट करूं तो ऑलमोस्ट उल्टे सेवन की तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अपोजिट सेवन आ रहा है तो ये कौन से नंबर पे होगा, सेवनटीन, सत्रहवें नंबर पे आएगा आपका क्यू। बात रही R की, अब ये नंबर सब 10 के ऊपर है तो हम सिर्फ याद करेंगे, 7 है तो 17, 8 है तो 18। R के लिए मैंने ड्रॉ करा, ये ऊपर एक सर्कल दिख रहा है आपको, जीरो दिख रहा है, नीचे भी अगर एक जीरो ज्वाइन हो जाए तो ये क्या दिखेगा, 8 की तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा R। और अगर R 8 बना रहा है तो कौन से नंबर पे होगा, 18वें नंबर पे, मतलब 18th प्लेस पे। तो क्या ये 9 बन जाएगा, बताइए, बिल्कुल। S क्या होता है आपका, 9 बनाता है बच्चों, और अगर ये 9 बना रहा है तो ये कौन से नंबर पे होगा, 19 नंबर पे होगा। अब S के बाद क्या आता है, S के बाद आता है आपका T, क्या आता है, T, जो कि आपने एजोटी में याद कर चुका है, 5 15 किस नंबर पे आता है, देखो 5 10 15 20, तो हमेशा T किस नंबर पे आएगा, 20वें नंबर पे आएगा, तो T को तो याद करने की जरूरत नहीं। अब T के बाद क्या आता है, जस्ट T के बाद क्या आता है, U। तो आप लोगों ने देखा होगा, आप जब अपने छोटों से बात करते हो या अपने दोस्तों से तो क्या बोलते हैं, तू क्या कर रहा है, तो तू जो होता है वो किस अल्फाबेट से मिलकर बनता है, टी और यू। जब टी का प्लेस 20 है तो टी के जस्ट बाद क्या आता है, यू, और उसे हमेशा कैसे याद रखोगे आप लोग, तू, टी के बाद यू, तू। तो मतलब अगर टी 20वें नंबर पर है तो यू किस नंबर पे होगा, 21। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बात आई यहां पर, चलिए यू के बाद क्या आता है, वी। और अगर मैं वी बनाता हूं, देखो कितने आपको सिंगल वन कितने लगेंगे वी बनाने के लिए, एक और एक, मतलब यहां पर क्या हो गया, अगर V को देखें हम लोग
तो वी कितने वन से मिलके बना है? दो. वन और वन कितना होगा? टू. और अगर बीस के ऊपर आता है आपका वी तो क्या बनेगा यहां पर? 22. अब वी के बाद क्या नंबर दिया है? डब्ल्यू. अगर मैं थ्री को देखो, एम के लिए थ्री क्या हुआ था? सीधा तो 13 हो गया था. अब जो W है वो 20 के बाद आता है. और अगर मैं आपके 3 को जस्ट ट्विस्ट कर दूं इस डायरेक्शन में, 3 को क्या करूं? इस डायरेक्शन में ट्विस्ट कर दूं, तो 3 क्या हो जाएगा? W बन जाएगा, है ना. तो यहां पर 3 क्या हो जाएगा आपका? 23, क्योंकि W किसके बाद आता है? 20 के बाद. तो 20 और 3, 23. अब अगर मैं बात करूं x की, तो देखो वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, सभी को याद रहता है x का. तो x का अगर दो बनाते हो आप, ठीक है, चार पार्ट होते हैं कि नहीं? एक वन ये, एक वन ये, एक वन ये और एक वन ये. मतलब इसमें कितनी संख्या होती है जो एक होती है? चार डंडों से मिलके बना ये. अगर मैं यहां बीच से इसको पार्टीशन कर दूं तो वन और वन और वन और वन, वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू. मतलब यहां पर कितने वन दिखते हैं आपको? चार. आपको सिर्फ चार एक देखने हैं. और अगर चार वन दिख गए आपको सिंगल, तो यहां पर आपका नंबर क्या बनेगा बच्चों? 24. क्लियर है अच्छे से? 24 हो जाएगा. वाई का इजोटी में ऑलरेडी काउंटेड है, क्या होता है? 25. जेड का मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सबसे आखिरी में होता है. और टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26. तो जेड भी क्या होगा आपका? 26. तो इस तरीके से आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस देखना है. और एक बार अगर आपको नंबर दिख गया ना, जो मैंने आपको बताया, वैसे दिक्कत नहीं आएगी. सारे नंबर्स आपको आज पता चल गया होगा कि सारे अल्फाबेट्स में नंबर दिखता है ना. बस हमारा क्या है, व्यू जो है देखने का वो थोड़ा चेंज था, वो हमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है. उससे आसानी से आप हमेशा याद रख पाओगे नंबर्स को. तो बस ट्राई करिएगा सारी चीजें, एक बार अच्छे से वीडियो देखिएगा. जो जो तरीके मैंने जिस नंबर को देखने के लिए जिस तरीके से बताया है उसे नोट कर लीजिएगा, तो अगली बार देखोगे तो हमेशा याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा. जिस नंबर को, जैसे मैंने बोला आपसे जी, जी में तुरंत आपको 7 दिखेगा. क्यों? क्यों में आपने तुरंत देखा अपोजिट 7 है, 7 आता है सर, 17 हो जाएगा. मैंने आपसे बोल दिया आर, तो आर 8 बनता है, तो मतलब 10 के बाद आता है, 18 हो जाएगा. रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी. तो आई होप जो आज इनिशियल बेसिक क्लास थी हमारी, अल्फाबेट्स को याद कराया मैंने आप लोगों को, कि तरीका बताया जिससे आप आसानी से उसे याद रख पाओ, रटना ना पड़े कभी जिंदगी में, ना भूलो, हमेशा अच्छे से कर पाओगे. सबसे मेन है अल्फाबेट्स को याद रखना. तो आई होप क्लास क्लियर रही होगी. कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. जिन्होंने अभी हमारा पहली बार वीडियो देखा है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, औरों के साथ शेयर करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस.